ग्रामीण विकास एक ऐसा पक्ष जो लेखपाल परीक्षा में आपके चयन में अनिवार्य भूमिका में है। क्या है ग्रामीण विकास? हम जिस देश में निवास करते हैं उस देश में 6 लाख से अधिक गांव हैं, 68% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और लगभग 54.6% जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अधिकाधिक लोग होते हैं, बहुतायत लोग होते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक जनसंख्या कृषि और उससे संबद्ध कार्यों में लगी हुई हो, जैसे कृषि, पशुपालन, कीट पालन, बागवानी आदि। देश के सकल मूल संवर्धन में इस क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 17.4% है। अगर हम एक सरल लाइन में से समझना चाहें कि ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मपोषित बनाना, यही प्रक्रिया ग्रामीण विकास है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपने अपने स्तरों पर कार्य करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए लोगों का एक समूह होता है जिसे संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जिसे आप पंचायत कहते हैं, वह भी इस क्षेत्र में लगातार लगी हुई है। अब अपने देश के गांव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे साझा करता हूं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एशिया का पहला ग्रीन विलेज खोनोमाई नागालैंड में है। सौर ऊर्जा पर आत्मनिर्भर गांव बैतूल है। यह अपनी जरूरत का संपूर्ण सौर ऊर्जा से उत्पादित कर लेता है, संपूर्ण ऊर्जा को सौर ऊर्जा से उत्पादित कर लेता है। बैतूल एमपी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला जो पहला गांव है वो वियान है, जम्मू कश्मीर में है। एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव मेलेनोंग है और भारत का पहला डिजिटल आर्थिक गांव जो कैशलेस हो चुका है वो अकोदरा है, गुजरात में है। वैसे तो आप ग्राम, तहसील, परगना, ब्लॉक, जिला सभी से परिचित हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा के हिसाब से गजट शब्दों से जुड़े होते हैं, तो उन गजेटियर शब्दों का प्रयोग जब आप करेंगे तो आप इनको कैसे प्रभावित करेंगे? जैसे ग्राम, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र जो होता है वो ग्राम कहलाता है। इन तीनों का ही संबंध एक दूसरे से है, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझिए। राज्यपाल ने जिस भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया वो ग्राम हो गया। अब इस अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसका नाम चुनाव नामावली में हो वो ग्राम सभा हो गया। अब इस चुनाव नामावली में जितने लोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जिसको चुन लेंगे वो ग्राम पंचायत समिति हो जाएगी, एक स्वायत्त संस्था है जिसे संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त है। तो आसान शब्दों में आप समझ लीजिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र ग्राम, इस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों का समूह जो चुनाव नामावली में जिनके नाम अंकित है ग्राम सभा, और इस ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए लोगों की जो समिति होती है उसको क्या कहते हैं? ग्राम पंचायत समिति कहते हैं। अब आइए कुछ राजस्व शब्दावलियों पर भी नजर डालते हैं। सजरा, खतौनी और खसरा क्या होता है? ये सभी कानूनी भू दस्तावेज है। संपूर्ण गांव का विवरण जहां पर होता है, संपूर्ण गांव के कानूनी भू दस्तावेज विवरण को हम क्या कहते हैं? सजरा। संपूर्ण गांव का भू दस्तावेज विवरण है तो एक सामूहिक कानूनी दस्तावेज है, इसको हम क्या कहेंगे? यह सामूहिक कानूनी भू दस्तावेज है, भू दस्तावेज है। अगर 10 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आप लोग बुरा मत मान जाइएगा। खतौनी, इसमें पूरे परिवार का विवरण होता है तो सामूहिक की जगह इसको कर दीजिए पारिवारिक, यह पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज है। खसरा, यह व्यक्तिगत है, इसमें केवल आपका विवरण होता है तो यह व्यक्तिगत कानूनी भू दस्तावेज है। जैसे सपोज करिए यह पूरा गांव है, इस गांव में ही आपका परिवार है और ये आप है, क्लियर है। अब संपूर्ण गांव का जो विवरण होगा, कौन सा विवरण? सामूहिक कानूनी भू दस्तावेज विवरण, इसको हम क्या कहेंगे? सजरा। यह आपका पूरा परिवार है, आपके परिवार का जो विवरण होगा कानूनी भू दस्तावेज विवरण, इसको हम क्या कहेंगे? पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज विवरण, इसको हम क्या कहेंगे? खतौनी। और इसमें व्यक्तिगत जो आप हैं, आपकी जमीन के विवरण जो होंगे इसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत कानूनी भू दस्तावेज विवरण। तो सामूहिक कानूनी भू दस्तावेज विवरण जो होता है वो सजरा होता है, पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज विवरण जो होता है वो खतौनी होता है, और व्यक्तिगत कानूनी भू दस्तावेज विवरण जो होता है वो सजरा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, इनकी फोटो आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यह सजरा है।
इसमें जो छोटे छोटे भाग होते हैं इनको हम कहते हैं गाटा संख्या, गाटा संख्या। सजरा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कानूनी भू दस्तावेज विवरण जो सामूहिक है। इसके बाद ये आप देखिए इस प्रकार से होती है आपकी खतौनी। खतौनी में पूरे परिवार का विवरण होता है और खतौनी में कितने होते हैं, 23 खाने होते हैं, 23 खाने होते हैं खतौनी में, याद रखिएगा। ये आपकी खतौनी हो गई, किस्तबंद खतौनी असीम बात, पूरे परिवार का विवरण है। और यह आपका खसरा हो गया, खसरा में जो है 12 खाने होते हैं, कितने खाने होते हैं 12, इसमें आपका व्यक्तिगत विवरण होगा। इसके बाद खेवट, चकबंदी और पेटिस के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। खेवट एक जमींदारी रजिस्टर है, पहले जमींदारी प्रथा थी और जमींदारों को भूमि के संरक्षण को अंकित करने के लिए खेवट दिया जाता था, लेकिन 1950 में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जब आया तो खेवट को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह खसरा, खतौनी और सजरा ने ले ली। खसरा, खतौनी और सजरा कानूनी अधिकार पत्र या कानूनी अधिकार दस्तावेज है। तो ये खेवट समाप्त हो गया, लेकिन आपसे पूछा गया है खेवट क्या है, जमींदारी रजिस्टर है। चकबंदी, जैसे आपका गांव में खेत है, एक खेत यहां हो गया, एक खेत यहां हो गया, एक खेत यहां हो गया, क्या है चकबंदी, इन सभी खेतों को एक साथ एकत्रित करने की प्रक्रिया, जो आपके बिखरे हुए जोत होते हैं इन खेतों को हम क्या कहते हैं, जोत। तो आपके 3 जोत हैं और ये बिखरे हुए हैं, तो आपके जो बिखरे हुए जोत हैं उनको एकत्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, चकबंदी। और चकबंदी के बाद इन जब ये जोत इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको हम कहते हैं चक। मान लीजिए आपके गांव में चकबंदी हो गई और आपके सभी बिखरे हुए जोतों को इकट्ठा कर दिया गया तो वो क्या हो गया, चक। जोत 4 प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम चक के रूप में इकट्ठा करते हैं। सीमांत जोत जो 1 हेक्टेयर से कम होती है, छोटी जोत जो 1 से लेकर 4 हेक्टेयर तक होती है, मध्यम जोत जो 4 से लेकर 10 हेक्टेयर तक होती है, बड़ी जोत जो 10 हेक्टेयर से अधिक होती है। जिस क्षेत्र में चकबंदी ना हुई हो वहां पर सीमांत जोत अधिकतम होती है। चकबंदी के बाद सभी सीमांत जोत को इकट्ठा करने के बाद एक बड़ी जोत होती है जिसे हम चक कहते हैं। क्या कहते हैं, चक कहते हैं। तो सीमांत जोत, छोटी जोत और मध्यम जोत उन क्षेत्रों में कम पाई जाती है जहां पर चकबंदी हो चुकी है। चकबंदी विभाग का गठन 1953 के चकबंदी अधिनियम के आधार पर किया गया था। 1954 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर की कैराना तहसील में सबसे पहले चकबंदी प्रारंभ हुई थी। पेटिस, पटवारी इंफॉर्मेशन सेल है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 2005 में की थी। 2012 से यह लगभग सभी जगह प्रभावी हो गया। तो यह आज का क्विक सेशन था आप सभी लोगों के लिए। इसमें एक क्विज भी रखा गया है, उस क्विज को भी आपको ध्यान देना है। मैं यहां पर आपको अति महत्वपूर्ण 5 प्रश्न दे रहा हूं जिसके उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में देने हैं, नीचे देने हैं। कल मैं आपको इन उत्तरों को बताऊंगा और कल मैं 10 मिनट की और महत्वपूर्ण सामग्री आपको दूंगा। यह पहला एपिसोड था, पहला प्रयास था, सभी विषयों से ऐसा करने वाला हूं। आज का कैसा लगा ये जरूर बताइए। यह आपके 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको नीचे करने हैं। इन 5 प्रश्नों को आप देख लें। जाते जाते मैं आपको ये और बता दूं कि संस्थान में विजय पथ बैच, जिसमें 2 तारीख से पढ़ाई शुरू होने वाली है, बैच में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ग्रामीण विकास को पूरा लिंक करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यह श्रृंखला उन प्रदेश के सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं। अगर आपका स्नेह हो प्रेम मिला तो मैं निश्चित रूप से इसको आगे भी कंटिन्यू रखूंगा और यह प्रक्रिया सतत चलेगी और धीरे धीरे से सभी विषयों के दायरे में लाया जाएगा। विजय पथ बैच में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है, आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में विजय पथ बैच का टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वो सभी के लिए निःशुल्क है। बैच में प्रवेश की प्रक्रिया यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लगातार चल रही है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक यहाँ पे स्क्रॉलिंग चल रही है जिसमें प्रवेश प्रक्रिया आपकी दी गई है और आप में से बहुत सारे सदस्यों ने प्रवेश लिया है। हम लोग निश्चित रूप से लेखपाल में एक सीट को पक्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।